भारतीय जनता पार्टी की सांसद और बॉलीवुड अभिनेत्री हेमा मालिनी ने किसान आंदोलन को लेकर अपनी चुप्पी तोड़ते हुए एक बयान दिया है। बयान में हेमा मालिनी ने किसान आंदोलन पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि जो किसान धरने पर बैठे हैं उन्हें कानून में समस्या ही नहीं पता है, उन्हें तो ये भी नहीं मालूम कि इस कानून में क्या खराबी है और उन्हें क्या चाहिए। किसी के कहने पर किसान धरने पर बैठे हैं। बता दें कि कृषि कानून के मसले पर केंद्र सरकार और किसान संगठनों के बीच अभी तकरार खत्म नहीं हुई है। सुप्रीम कोर्ट के रास्ते विवाद खत्म होने की उम्मीद है। इस बीच भारतीय जनता पार्टी की सांसद और बॉलीवुड अभिनेत्री हेमा मालिनी ने धरने पर बैठे किसानों को लेकर सवाल खड़ा कर दिया है। हेमा मालिनी का कहना है कि जो किसान धरने पर बैठे हैं उन्हें कानून में समस्या ही नहीं पता है। जानकारी अनुसार हेमा मालिनी का कहना है कि धरने पर बैठे किसानों को ये भी नहीं पता कि उन्हें क्या चाहिए और कृषि कानूनों में असल दिक्कत क्या है। इससे ये साफ होता है कि उन्हें किसी ने कहा और वो लोग धरने पर बैठ गए। आपको बता दें कि इससे पहले भी कई बीजेपी नेताओं द्वारा किसानों के आंदोलन पर सवाल खड़े किए गए थे, जिसमें इस आंदोलन को विपक्ष द्वारा प्रायोजित बताया गया था, जबकि कई बार खालिस्तानी समर्थक संगठनों के साथ होने की बात भी कही गई। सुप्रीम कोर्ट ने भी कृषि कानूनों को लेकर याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार से एक हलफनामा देने को कहा है, जिसमें किसान आंदोलन में प्रतिबंधित संगठनों के शामिल होने या समर्थन देने की आधिकारिक जानकारी देने को कहा गया है। आपको बता दें कि किसानों का आंदोलन पिछले 50 दिनों से चल रहा है, लेकिन अब तक कृषि कानूनों पर कोई बात नहीं बन पाई है। बुधवार को किसान संगठन लोहड़ी के मौके पर कृषि कानून की प्रतियों को जलाएंगे, साथ ही 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली निकाली जाएगी। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कृषि कानून पर जारी विवाद को खत्म करने के लिए एक कमेटी का गठन किया है, जिसमें 4 एक्सपर्ट शामिल हैं। ये सभी 2 महीने में अपनी रिपोर्ट देंगे, जिसके बाद अदालत आगे अपना फैसला सुनाएगी। वहीं बॉलीवुड अभिनेता ही मैन धर्मेंद्र ने किसान आंदोलन को लेकर ट्वीट किया है कि वे सरकार से मांग कर रहे हैं कि किसानों की समस्या का जल्द समाधान किया जाए। उन्होंने कहा कि सरकार से प्रार्थना है कि किसान भाइयों की समस्या का जल्द कोई समाधान तलाश किया जाए। दिल्ली में कोरोना के केस बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन बाद में धर्मेंद्र ने इस ट्वीट को हटा दिया। वहीं बॉलीवुड के अन्य स्टार व सुपरस्टार इस मामले में चुप्पी साधे हुए हैं। दूसरी ओर कंगना रनौत ने इस मामले में सरकार को सपोर्ट किया है और किसान आंदोलन में वे विवादित बयान दे रही हैं। हाँ, बहुत अच्छा हुआ है, क्योंकि कई दिनों से ये किसान लोगों का ये आंदोलन चढ़ता गया, बढ़ता गया, लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट ने उसका रोक लगाई है। ज़रूरी था ताकि कुछ शांत हो जाए, क्योंकि जब भी जो भी बात करने आते हैं तो वो बराबर मानने को ही तैयार नहीं है, और उनको ये भी मालूम नहीं कि उनको क्या चाहिए, इस ये बिल में क्या तकलीफ, प्रॉब्लम क्या है, वो भी ये समझ नहीं रहे हैं। लेकिन वो इसका मतलब है किसी के कहने पे ये लोग कर रहे हैं ना, अपने आप से नहीं कर रहे हैं। तो कितना नुकसान भी कराया पूरा पंजाब में, तो वो भी देखकर बड़ा ख़राब लगा, पूरा टावर तोड़ दिया, ये कर दिया, एंड इट्स नॉट नाइस। क्योंकि जो भी हमारी सरकार हमेशा बोल रही है कि आप आइए, आपको क्या चाहिए बताओ, लेकिन उनके पास कुछ है ही नहीं, मुद्दा ही नहीं है। लेकिन मुझे बहुत खुशी है कि हमारी ब्रिज के जितने भी किसान हैं वो कभी मेरे पास कोई कंप्लेंट नहीं किया है, क्योंकि जब कंप्लेंट करना है तो बड़ा ज़ोरदार मेरे से आके मेरे फ़ोन करते हैं। मैं बॉम्बे में रहूँ, कहीं पे भी रहूँ तो मुझे फ़ोन करके मुझे बुलाते हैं, मेरा तकलीफ तो ये ठीक करो, और हर वक्त हमेशा मैंने उनका साथ दिया है। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.